हमारे संवाददाता शहनवाज रांची एयरपोर्ट पर मौजूद है। शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि 31 विधायक मौजूद थे फ्लाइट में जो रायपुर पहुंचने वाली है बस कुछ ही समय बाद, तो क्या कोई मंत्री भी साथ है? जी हाँ, सभी मंत्री गाड़ी में हैं। हालांकि वो तस्वीरें नहीं है हमारे पास कि जो हम ये प्रूफ कर सकें कि कितने लोग हैं, लेकिन तीन लोग नहीं गए हैं जिसमें दीपक बीरवा, लोबी नेमरम और सविता महतो। ये हमारे संवाददाता जो जीएमएम बीट देखते हैं उनके माध्यम से ये जानकारी अभी अभी मुझे भी प्राप्त हुई है। बहरहाल मुख्यमंत्री अंदर से निकले और वो गए तो थे तमाम लोगों को बस में लेकर के, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर इमरजेंसी गेट से, जहाँ स्पेशल गेट है जो जहाँ से मुख्यमंत्री और राज्यपाल जाते हैं, और लेकिन तमाम विधायकों को सर्विस फ्लाइट पे बोर्ड करके वापस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी रास्ते से बाहर आए और उन्होंने, बहुत भीड़ थी, बहुत संघर्षपूर्ण अंदाज में हम लोगों ने किसी तरह उनकी बाइट ली और बाइट का लबोलबाव यही है कि सावधानी पूर्वक, क्योंकि एक बहुत बड़ा गहरा सरिया षड्यंत्र है सरकार को अस्थिर करने का, तोड़ने का, अपदस्थ करने का, उससे बचने के लिए, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, सावधानी के तहत तकाजा ये है कि तमाम जो विधायक हैं वो उनको इंटैक्ट करके, एक करके, एक साथ एक जगह रखा जाए। इसी का प्रयास है कि तमाम विधायक इसलिए, एक दो तीन हो सकता है कि ना हो, 31 है उनकी तादाद, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑफिशियली दी जा रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मसलहत है, कुछ चीज़ें छिपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। और जेएमएम खास तौर पे जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व का जेएमएम है, वो बहुत ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं करता है, वो अपने स्ट्रेटजी पर यकीन रखता है। और जो कुछ भी अभी आपने अब तक होता हुआ देखा है हेमंत सोरेन के इस बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक, आप याद कीजिए मधुपुर का उपचुनाव, अचानक हफीजुल हसन अंसारी बन जाते हैं मंत्री बिना विधायक बने, उसके बाद जाके विधायक का चुनाव वो जीतते हैं। ये डिसीजन भी बहुत चौंकाने वाला था। दूसरा चौंकाने वाला डिसीजन महुआ मांझी को राज्यसभा भेजने का था। सुबह खुद महुआ मांझी को पता नहीं था कि वो राज्यसभा जा रही हैं, लेकिन अचानक 12 बजे जो कुछ भी हुआ आपने देखा, दुनिया ने देखा कि महुआ मांझी के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो मुख्यमंत्री का डिसीजन बहुत अलग टाइप का होता है, बहुत ही क्विक होता है और वो किसी पर ये रिलाय नहीं करते। शायद ये वजह है उनके नेतृत्व क्षमता का कि वो सब लोग उन पर बहुत ही रिलाय करते हैं कि जो वह फैसला लेंगे। अब लतरातू जाने का जो दो दिन पहले का डिसीजन था वो भी दरअसल रायपुर जाने का डिसीजन था, लेकिन मीडिया में जो खबरें चलने लगी सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री ने चेंज कर दिया, क्योंकि एक तरफ उनको NDA से लड़ना है, केंद्र की सरकार का मुकाबला करना है, अपने विधायकों को बचा के रखना है, अपनी सरकार को बचा के रखना है। दूसरी तरफ वो मानते हैं और कहते भी हैं, कल जो है वो प्रोजेक्ट भवन में बहुत अच्छे मूड में थे, उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी से भी काफ़ी हंसी मजाक किया और कहा कि आप लोगों के सूत्रधार कहाँ हैं, किस किस आधार पर, तो वो मीडिया को चकमा देते हैं कभी कभी इस तरह का करके। आज भी उन्होंने ऐसा यहाँ पर इसलिए किया कि इस गेट पर तमाम हम लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे कि इधर से जाएंगे विधायक, ये देखिए ये गोल एक बनाया गया है, चौकोर सा स्क्वायर पॉइंट बनाया गया है, ये मैं ही बता रहा था लोगों को कि अचानक अंदर से CISF के जवान निकले और उनका मूवमेंट उस गेट की तरफ हुआ। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ चेंज किया गया है रूट, और फिर जो कुछ हुआ आपने देखा, ये जो दो बड़ी बड़ी बसें थी, पहली बस तो अंदर चली गई जिसमें खुद मुख्यमंत्री सवार थे, दूसरी बस अंदर घुसने के प्रयास में उसके शीशे पर स्क्रैच लग गया, शीशे टूट के बिखर गए नीचे। अब यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग उसको अपशकुन की दृष्टि से भी देख रहे हैं, शीशा टूटा है इसका क्या मतलब है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुख्यमंत्री भी मीडिया की खबरों पर बहुत कीनली इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए कभी कभी अपना डिसीजन बदल देते हैं। जी, सवाल है कि परसों कैबिनेट की बैठक, मुझे लगता है कि रायपुर जाने की एक वजह ये हो सकती है कि सरकार से अच्छी बनती है, वहां के CM से अच्छी बनती है हमारे सरकार की, और साथ ही वहां पे भी कोई बैठकों का सिलसिला चलेगा क्या?
हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए जब भी ऐसा पहली बार तो मैं ये साफ कर दूं कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के तमाम विधायकों को आसाम ले जाया गया, तो आसाम क्यों ले जाया गया? आसाम में भी बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र में जिस सरकार को शिवसेना से तोड़ करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों को ले जाया गया, वहाँ भी बीजेपी की सरकार बननी थी, तो ले वहीं लिया जाता है जहाँ अपनी सरकार हो या फिर अपने फ्रेंडली कोई सरकार हो। जैसे पश्चिम बंगाल भी ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी ममता दीदी की सरकार है और वो नॉन बीजेपी सरकार है, नॉन एनडीए सरकार है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जहाँ तक सवाल है, एक तो ये कि वहाँ पर एक तो बहुत डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, दूसरे कांग्रेस की सरकार है, डायरेक्ट वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, इसलिए उससे ज़्यादा सेफ पैसेज अभी कहीं का नहीं हो सकता है। दूरी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली की सर्विस फ्लाइट है, कभी भी वापस आ सकते हैं। और ये यही दरअसल स्ट्रेटजी है मुख्यमंत्री ने जो चंद बातें की मीडिया से भी एयरपोर्ट पे, उसका लबोलबाब यही है कि ये स्ट्रेटजी है और ये करनी पड़ती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है झारखंड में। यही तीन बातें मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कहने की कोशिश की और ये कहा कि ये सावधानी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, बस कुछ ही समय पहले विधायकों का काफिला सीएम आवास से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट से स्पेशल विमान में बैठकर सारे विधायक 31 विधायक रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।